जी तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा. स्मार्ट स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस लुब्रिकेंट्स फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स. मटेरियल COX इज इंट्रोड्यूस्ड एट द स्टार्ट ऑफ प्रोसेस इन डिपार्टमेंट ए. ओके एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी. नॉर्मल लॉस इन डिपार्टमेंट ए इज 5% ऑफ द यूनिट ट्रांसफर. जितना यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका 5% जो है वो आपका नॉर्मल लॉस होगा. और इसका तरीका मैंने वही बताया था कि जो यूनिट आपके टोटल यूनिट लेके उसमें जो वो यूनिट जो आपके हो गए वर्क इन प्रोसेस वाले वो लेस कर दोगे. ठीक है. इन डिपार्टमेंट बी मटीरियल COY इज एडिड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट. अच्छा, डिपार्टमेंट बी में जो है ना आपने मटेरियल ऐड करना है आफ्टर इंस्पेक्शन स्टेज, यानी 60% पे. 10% ऑफ द यूनिट प्रोसेस्ड आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज. हाउएवर नो वेपोरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एडिंग मटीरियल COY. तो यानी जहां पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हो इंस्पेक्शन तक आपके 10% जो है वेपोरेट हो जाएंगे नॉर्मल. लेकिन वो कहते हैं उसके बाद कोई वेपोरेशन नहीं होगी ड्यूरिंग द ईयर. एक्चुअली एक्चुअली वेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वॉज 10% हायर देन एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ सल्फर कॉन्टेंट इन द नेचुरल गैस यूज फॉर प्रोसेसिंग. ठीक है. वो कह रहे हैं कि असल में 10% जो आपने जी अच्छा वो सॉरी मैं अपने ही वो असल में डाउनलोड कर रहा होता ना वो एकदम चल पड़ती है. सो मैंने कहा शायद कोई क्वेश्चन कर रहा है. अच्छा, अदर डिटेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 आर एज फॉलोस. अब यहाँ देखिएगा डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ये बड़े ध्यान से देखना है. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आपको दिए हुए रुपीज में. मटेरियल इनपुट दी हुई है 600,000 लीटर्स 500,000 लीटर्स. ये 600,000 लीटर मटीरियल एड हो रहा है डिपार्टमेंट ए में और 500,000 लीटर ट्रांसफर हो रहा है डिपार्टमेंट बी में. ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर जब आप मटेरियल ऐड करते हो डिपार्टमेंट बी में उससे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाते हैं. इससे पहले हम ये पढ़ते आए हैं कि नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज नहीं होते थे. ठीक है. लेबर ओवरहेड कॉस्ट भी लग रही है. डिपार्टमेंट ए में आइएगा तो ये भी डाटा में दिया हुआ है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट थे यानी कितने लीटर था और क्लोजिंग कितने लीटर है कितने परसेंट कंप्लीट हुए हैं ये सारा डाटा दिया हुआ है. कुछ डिपार्टमेंट ए का है कुछ डिपार्टमेंट बी का. ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ साथ हम रीड करेंगे. कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द प्रोसेस इन बोथ डिपार्टमेंट्स. द कंपनी यूजेस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. ठीक है जी. सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है जी ओपनिंग सबसे पहले फाइफो मैथड है. फाइफो मैथड है तो डिपार्टमेंट ए की तरफ आइएगा. सबसे पहले ए को डिस्कस करें. ये निकलेगा तो बी की तरफ जाएंगे ना. जी प्रोसेस ए सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लीजिए. इसके यूनिट्स जो हैं वो दिए होंगे नीचे दिए होंगे नीचे टेबल है उसमें देखिएगा. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए में जो है वो 64,500 लीटर. ठीक है. तो ये 64,500 लीटर और इसकी जो कॉस्ट है वो दी हुई है यहाँ पर 2184. इसको मैं रुपीज इन थाउजेंड में लिख देता हूँ. यूनिट पूरे लिखना और ये रुपीज इन थाउजेंड 2184,000. अच्छा, अब आपने इसके बाद इनपुट की है मटेरियल की फॉर्म में जिसमें 600,000 जो है वो आपके इनपुट है मटेरियल और इसकी जो कॉस्ट दी हुई है वो 17,080
17085. इसके बाद वो लेबर कह रहे हैं 8821 प्रोसेस ए की एंड देन FOH ओवरहेड्स 2940. ये डेबिट साइड आ गई. इसको पहले टोटल कर लेते हैं 664,500 और अमाउंट कितनी आएगी रुपीज इन थाउजेंड. इसको टोटल कीजिएगा सेवनटीन जीरो एट फाइव है ये सेकेंड. थर्टी वन जीरो थ्री जीरो यानी 31 मिलियन आ गई आपकी अमाउंट. ठीक है जी. अच्छा अब क्रेडिट साइड पे देखिएगा. अच्छा अब इसमें जो वो लिख रहे हैं नेक्स्ट में यूनिट ट्रांसफर हमें चाहिए. ये डाटा में देखिए ऊपर आया होगा. तो ये पूरी स्टेटमेंट जरा ध्यान से देखना. इसमें इसमें ना मिसिंग वैल्यूज है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा आपको. स्मार्ट प्रोसेसिंग प्रोड्यूस लुब्रिकेंट फॉर इंडस्ट्रियल मशीन्स मटीरियल सी ओ एक्स इज इंट्रोड्यूस एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस डिपार्टमेंट एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी. नॉर्मल लॉसेस इन डिपार्टमेंट इज 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड. ओके ओके ओके. यूनिट ट्रांसफर उसने हमें दिए नहीं हुए और वो कहते हैं जितने यूनिट ट्रांसफर हुए ना उसके 5% जो है वो नॉर्मल लॉस है. ठीक है. बी डिपार्टमेंट को भी मैं डिस्कस नहीं करता. ठीक है. ए की बात कर रहा हूँ. 600,000 यूनिट आगे. हाँ जी अब आगे कोई बात नहीं दिए हुए तो हम छोड़ देते. लेकिन यकीन ही बात है कि दो मिसिंग वैल्यू नहीं होती. इसमें नॉर्मल लॉस है फिर एबनॉर्मल लॉस हम नहीं लेंगे. ये सिर्फ नॉर्मल लॉस है इस प्रोसेस जो हमें गिवन नहीं है. उससे क्या 5% ऑफ यूनिट ट्रांसफर्ड. फिर उसके बाद एबनॉर्मल चूंकि नहीं ले रहा तो फिर यूनिट ट्रांसफर्ड आ जाएंगे और ट्रांसफर किसको होंगे प्रोसेस बी को. और फिर हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आ जाएगा. और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नीचे वाली टेबल में देखिएगा वो गिवन है डिपार्टमेंट ए में 24,000 लीटर्स ऐसे हैं जो आपके प्रोसेस में. ये 24,000 तो इसका जो टोटल है वो वही बनेगा 664,500. अब देखिए इस दो कैलकुलेशन करनी है ए की वैल्यू से. और वो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो नॉर्मल लॉस है वो इस ट्रांसफर्ड आउट का 5% है. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिमेनिंग यूनिट हैं वो 105% है. 100% अगर मैं ये लेता हूं तो ये 5% है. ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट करोगे मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर लो. देखें वेरी सिंपल कि मेरे पास नॉर्मल लॉस प्लस प्रोसेस बी जो आपने ट्रांसफर किए हैं प्रोसेस बी को वो मिलाकर कितने यूनिट बनते हैं 664,500 माइनस 24,000 500. ठीक है. अब इसमें से किसी एक को एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं. ऑब्वियसली जिस पर परसेंटेज है वो एक्स है. तो प्रोसेस बी में जो यूनिट है वो अगर हम एक्स लेते हैं जो ट्रांसफर्ड आउट है तो नॉर्मल लॉस वो कह रहा है 10% है सॉरी 5% है यानी 0.05x प्लस एक्स इज इक्वल टू 640,500. तो मैथमेटिकली देखो तो ये 1.05 आ गया. तो 1.05 को वहां डिवाइड कर दिएगा तो एक्स कैलकुलेट हो जाएगा 610,000. अब ये 610,000 एक्स है यानी प्रोसेस बी. ये 610 निकला. जब ये 610 निकल आया मैं नॉर्मल लॉस आराम से निकाल सकता. अब नॉर्मल लॉस कितने परसेंट कह रहे हैं 5% ऑफ दिस यूनिट ट्रांसफर्ड. अब इसका 5% लीजिएगा
और ये याद रखिएगा यहाँ नॉर्मल लॉस क्यों नहीं लिखा, एक तो कोई हिंट भी नहीं है और दूसरा ये कि हम दो मिसिंग वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब वो नहीं है तो उसने दूसरी मिसिंग वैल्यू की है। ये तो पहला हिस्सा आ जाता है इसका। अब आइएगा इससे आगे डेटा में। अब मैंने निकालना क्या, सबसे पहले अब जब सॉल्व करूंगा तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, चूंकि वो है ना आपका ये मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो यूनिट ट्रांसफर कितने किया आपने, यूनिट जो ट्रांसफर किए हैं वो 610 है, इसमें से पहले लेस कर दो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और ये है मेरे पास 64,500, ये दोनों में से लेस कर रहे हैं तो बाकी कितने बच गए आपके, 545,500। अब ये है यूनिट ट्रांसफर फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। अब इसमें आगे चलिए, अब दोबारा वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ऐड करता हूं। अब देखिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस टेबल में देखो जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो कितने परसेंट कंप्लीट था, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100%, तो कोई मटेरियल नहीं लगा। कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से 60% कंप्लीटेड था, तो इसका मतलब मजीद कितनी कॉस्ट लगी, 40%। तो आप 64,500 का 40% दे दो, 45,800। अब इसी तरह जो क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हुए, अब नॉर्मल तो है नहीं, वो 24,000 है, ये करंट प्रोडक्शन से हैं, ये कितना कंप्लीट है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑब्वियसली 100% होगा कि वो लिख रहा है स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस है, और कन्वर्जन 70%, तो इसका 70% ले लो, 16,800। अब इसको प्लस कर लें, दिस इज इक्विवेलेंट यूनिट 569,500। ठीक है जी, ये हमारे दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट हो गए, क्लियर हो गया ये बात। जब इक्विवेलेंट यूनिट निकले, अब मैं यूनिट कॉस्ट निकाल देता हूं, यूनिट कॉस्ट। अब चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है तो मटेरियल, ठीक है, तो यहां पर अब यूनिट कॉस्ट निकालने का एक तरीका यह भी होता है कि यहां हम कॉस्ट लिख देते हैं सिंपल। मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 17,085,000 है, और सेकंड जो कन्वर्जन है इन दोनों को ऐड कर लो, 11761,000। ठीक है, अब मैंने अगर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो यहीं से निकल आएगी। अब 17,085,000 को 569,500 पे डिवाइड कर रहे हैं, पूरी है 30। सेकंड निकाल लें, 19.999, तो 20 ले लो। अगर 19.9999 आ रहे तो फिर जरूरत नहीं है, पॉइंट डेसिमल तक कर देंगे, कहीं कहीं पे भी राउंडिंग करोगे ये 20 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर मटेरियल की 30 है, कन्वर्जन 20 है, टोटल 50 हो गए।
टोटल 50 यूनिट कॉस्ट हो गया। ये बड़ा ख्याल करना होता है, चूंकि जब मैं यहाँ पर रुपीज इन थाउजेंड्स लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो यूनिट कॉस्ट निकालते वक्त केयरफुली लेना, कि कई दफ़ा हम ये मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ इन थाउजेंड पूरी नहीं लिखते हैं, 70.085 किया तो ये फिर रेट 0. समथिंग आएगा ना, तो इसलिए इसको या तो पूरा लिखो या इसको भी आप थाउजेंड्स में कन्वर्ट करके डिवाइड करो ताकि एक्चुअल रेट कैलकुलेट हो। अब ये कैलकुलेट हुआ, अब नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में देखें कितनी दी हुई है। डिपार्टमेंट वन में जो नॉर्मल लॉस है उसकी स्क्रैप वैल्यू आई थिंक है ही नहीं, नहीं है ना, बस छोड़ो। प्रोसेस बी 610,000 है। अच्छा, अब चूंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे जो प्रोसेस बी को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रोसेस बी को हम जो यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस से, कितने यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं? 64,500। तो इसका पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस ले लेते हैं एज इट इज 2184 रुपीज इन थाउजेंड, और इसमें फिर हमारी कन्वर्जन कॉस्ट लगी क्योंकि मटेरियल तो ऑलरेडी मुकम्मल था 100%। कन्वर्जन कॉस्ट लगी 64,500 इंटू 20 इंटू कितने परसेंट मुकम्मल था पहले 60%, मजीद 40% कॉस्ट लगाई तो कितनी अमाउंट आई थाउजेंड्स में कन्वर्ट करने के बाद जी? 25.8, इतनी बड़ी नहीं आ सकती अमाउंट, इतनी बड़ी अमाउंट नहीं आ सकती। मुझे नहीं समझ आ रही, आप थाउजेंड्स में कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं? सर 516 है। 0.6 कह रहे हो यार, मैं अमाउंट इन थाउजेंड्स लिख रहा हूँ यार, खुदा के बंदो मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? 1000 है सर, 516 516,000 इस तरह बोला ना, 516 बोलो ना, सिर्फ थाउजेंड की बोल रहे हो आगे। अब इसको प्लस कर लो, ये बन गया 2700। अच्छा, अब इसमें फर्दर आगे जाइएगा, फ्रॉम करंट प्रोडक्शन। अच्छा, करंट प्रोडक्शन में देखें तो हमारे पास कितने करंट प्रोडक्शन से ट्रांसफर हुआ, यहां से भी पता लग जाएगा कि 64,500 लेस करके 545,500 यूनिट आप ट्रांसफर कर रहे हो और उसकी कॉस्ट 50 रुपीज है। करंट प्रोडक्शन 30 + 20 27,275। अब इसको प्लस कर लिया तो ये बन गया जी 9,752,9975 आई थिंक, ये 2,9975। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की तरफ आते हैं तो यही निकाल लेते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, चूंकि ये करंट प्रोडक्शन से है तो 24,000 मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट है, तो 24,000 × 30 तो रुपीज इन थाउजेंड लूंगा तो 720 आएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट 24,000 × 20 × ये कितने परसेंट कंप्लीट था क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस? 70। इसको ऐड किया 1056 आ गया, ये 1056 यहां ऐड कर लें
ये फर्क नहीं आना चाहिए। जब आप राउंडिंग ही नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में तो राउंडिंग हुई नहीं है, पूरी पूरी है, और आपने एक 1000 का डिफरेंस डाल दिया यार। चले इसको 5-5 करो, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों कि आप कैलकुलेशन है, इसको नहीं छेड़ा। 31030 ये तो है प्रोसेस से। ठीक हो जी, अब सेकंड प्रोसेस जरा स्टार्ट करते हैं, और सेकंड प्रोसेस में जरा देखिए, ये सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, पर पेज नंबर उसी पेज पे, इन डिपार्टमेंट पी बी मटेरियल सी ऑफ वाई इज एडिट जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस व्हेन द प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट, द प्रोडक्शन इज 60% कंप्लीट। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा, इंस्पेक्शन जो है वो मेरी 60% स्टेज पर हो रही है। 10% of unit processed or evaporated before the inspection stage. ये जो 10% loss हो रहे हैं वो ये clearly कह रहा है कि ये before inspection stage है, before inspection stage. तो इसको हमेशा याद रखिए, इसको start of process हम consider करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये नहीं बताया 1% पे, 2% पे, 3%, उसकी logic है इसको लेदर रखने की, क्योंकि आगे जो losses हैं उसकी वो लिख रहा है। However, no evaporation takes place after adding material COI during the year. Actual evaporation in department B was 10% higher than the estimated normal loss because of high level of sulfur contents in natural gas used for processing. और abnormal loss का principle एक ही होता है, उसको कभी भी start of the process हम नहीं ले सकते। Abnormal का rule ये होता है कि या end of process देंगे अगर percentage of completion नहीं दी हुई, और अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन दी हुई है, यानी इंस्पेक्शन दी हुई है, तो फिर आप इंस्पेक्शन स्टेज पे लोगे। इसका मतलब है कि नॉर्मल लॉस 60% पर हुआ है, और जो आपका नॉर्मल लॉस है वो उसको जीरो कंसीडर करेंगे, ठीक है? वैसे भी वो जीरो कंसीडर होता है। अच्छा, अब देखिएगा इसमें फर्दर नीचे डाटा में लिख रहा है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस जो है वो तो खैर अमाउंट है, नीचे देखिएगा 40,000 लीटर्स है निचली टेबल पे। मटेरियल इनपुट जो है वो 500,000 लीटर्स हैं, और लेबर और ओवरहेड कॉस्ट लगी, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 50,000 लीटर्स है, ठीक है? सो अब आपने इसमें भी कैलकुलेशन करनी है ये सारी, पहले तो इस हिस्से को कैलकुलेट करना। जी प्रोसेस बी, प्रोसेस बी में आपके पास सबसे पहले क्या लूं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उसने हमें दिया हुआ है 40,000 लीटर्स, और जो अमाउंट आ रही है दैट इज 2080, ठीक है? फिर आपने प्रोसेस ए से भी लिए थे ना, प्रोसेस ए से यूनिट्स, वो मैंने अरेज कर दिए हैं, वो यहां से वो थे 610,000 यूनिट्स, और उसकी कॉस्ट हमने कितनी ली थी,
ये 29975। फिर उसके अलावा इनपुट भी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल। अब वो कह रहे जी मटेरियल जो आप लगा रहे हो 500,000 liters है और आपकी जो कॉस्ट है वो 9693। उसके अलावा फिर वो लेबर कॉस्ट दे रहे हैं 6389, देन ओवरहेड्स 3727। अब क्रेडिट साइड पे ऑब्वियसली यहां पर नॉर्मल लॉस भी है और एबनॉर्मल लॉस भी है ना। हमें नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स बताया हुआ है उसने, उसने सब ये कहा है कि हमारे कितने परसेंट हैं, 10% जो है वो एवेपोरेट होगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो लिख रहा है कि 10% जो आपने एस्टिमेट लगाया था उससे ज्यादा हुआ है। सो इसका होता है एबनॉर्मल भी मौजूद है। उसके बाद आप ट्रांसफर आउट लोगे जो फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये दो प्रोसेस से गुजर रहा है जो अब आप फिनिश गुड्स में, वो भी हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ। और क्लोजिंग जब वाहिद वैल्यू है जो हमें क्रेडिट साइड पे दी हुई है, आई थिंक दिस इज 50,000। लेकिन इसकी कॉस्टिंग तो बाद में होगी, पहले यूनिट को तो प्लस करके देख लें। ये बन गया जी 1150। अच्छा अब यकीन बात है, अगर मैं इस तरह लिखूं नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस इक्वेशन में प्लस जो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू 1150 माइनस 50,000 1100,000। ठीक है, ये तीनों का सम ये है। अब यहां ऊपर वो जो लिख रहा है परसेंटेजेस वो देखिएगा, वो लिख रहा है जी कि मटेरियल जो है ऐड किया जाएगा इंस्पेक्शन का, वेयर प्रोडक्शन सेगमेंट का 10% ऑफ द यूनिट प्रोसेस आर इवेपोरेटेड बिफोर द इंस्पेक्शन स्टेज। जो आपने प्रोसेस किए हैं उसके 10% जो है वो इवेपोरेट हो जाए। अच्छा ये तो खैर इजीली निकल आएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस किस तरह निकलेगा, जो प्रोसेस किए हैं आपने वो ये किए हैं स्टार्ट, क्यों, क्योंकि ये तो प्रोसेस नहीं हुए, ये तो बाद में ऐड हुए हैं 60% के बाद ऐड। ये याद रखिएगा, ये पहले आपने यूनिट प्रोसेस किए और प्रोसेस करने के बाद अच्छा इसको भी देख लो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितने परसेंट कंप्लीट है, 60%। तो इसका मतलब ये भी प्रोसेस हो चुका है, ये भी प्रोसेस हो चुका है, सिर्फ प्रोसेस यूनिट ये है, इसका 10% सीधा निकल आएगा, इसकी शायद जरूरत ना पड़े। तो ये कितना बन गया 61,000। हाँ ये तो सीधा सीधा निकल आया, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे ये करने की, ये क्वेश्चन बनाने की कतई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 61,000 आ गया। अच्छा अब इसमें एबनॉर्मल लॉस है, वो लिख रहा है कि वो 10% एक्स्ट्रा हुआ है, 10% ऑफ किसका, ये भी देखिए वो लिखता है कि द इवेपोरेशन इन डिपार्टमेंट बी वाज 10% हायर देन एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस, यानी जो नॉर्मल लॉस है 10% हायर है, इसका मतलब इसका 10% जो है ना 61 बन जाता है, ये एबनॉर्मल लॉस हो। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करें, बाकी जो रिमेनिंग है वो फिनिश गुड्स में आ जाएगी, पहले इसको कैलकुलेट कर लें। टेन 32,900 ये चीज अब पहले कहना पड़ेगी। ठीक हो गया यहां तक, ओके। अब इसका इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट सर निकालिए, खुद कर कैलकुलेट करें, कैसे निकालेंगे, अब तो खुद करें, एक स्टेप पर खुद करें।
जी हो गया। यूनिट ट्रांसफर आपने किए हैं फिनिश गुड्स को 1032900 इसमें से ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस पहले लेस कर दिया, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है 40,000 और 40,000 इसको लेस कर लिया 992900। अब ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस दोबारा ऐड कर लें जो इस प्रोसेस में कंप्लीट किया। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने परसेंट पहले कंप्लीट था ये डाटा में देखिएगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस किधर गया डाटा 60%। ठीक है तो मटेरियल तो जीरो ही आएगा और कन्वर्जन कितना आएगा सिक्सटी परसेंट मजीद कॉस्ट लग रही 40% 16 आ जाएगा। अच्छा अब इसमें एबनॉर्मल लॉस भी आ गया तो एबनॉर्मल लॉस पे मटेरियल तो लगेगा नहीं, यकीनी बात है। कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी और कन्वर्जन कॉस्ट कितने परसेंट के बाद ये लॉस हो रहा है क्वेश्चन के मुताबिक देखो ऊपर लिखा हुआ है 60% स्टेज पर तो इसका 60% ले लो ये कितना यूनिट है 6100 इसका 60% कितना आएगा 3660। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। अब क्लोजिंग वर्क की प्रोसेस हमारे चूंकि करंट प्रोडक्शन से 50,000 यूनिट्स हैं और ये मटेरियल के पॉइंट से 100% कंप्लीट है और उसके पॉइंट से लिखा हुआ 80% कंप्लीट है तो ये तो पूरा 50,000 यहाँ आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 40,000 80%। अब इसको प्लस किया तो ये तो आ गया 1042900। इसको टोटल कर लें 1052560। ठीक है जी। अच्छा इस क्वेश्चन में जो सिर्फ और सिर्फ एक इशू नजर आएगा बाकी सारा अभी तक वही किया है। यहाँ जहाँ चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा। देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तक मैंने कॉस्टिंग करनी है। मैं ये जो मटेरियल है कोई एडिशनल मटेरियल नहीं है ये इसके यूनिट्स में ऐड हो रहा है। इससे पहले जो हम क्वेश्चन करते आए हैं वो मटीरियल का हम अलग कैलकुलेशन करते थे। उसकी रीज़न क्या थी उससे नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज नहीं होते थे। ठीक है नंबर ऑफ यूनिट वही रहते थे लेकिन कॉस्ट इंक्रीज होती थी इस वजह से हम उसका लैदा इक्विवेलेंट यूनिट निकालते लेकिन ये मटेरियल जो है ना ये उसमें मिक्स हो जाता है यानी उसी में ये फॉल करेगा। ठीक है तो ये जो मैंने इक्विवेलेंट यूनिट निकाला ये इस मटेरियल का है। ठीक है तो अब इसमें जब मैंने यूनिट कॉस्ट निकालनी है यूनिट कॉस्ट तो जरा प्लीज यहाँ जेन में रखिएगा दो यूनिट कॉस्ट मैं यहाँ निकाल लूंगा तो मैं पहले इसकी कॉस्ट ले लेता हूँ। मटेरियल की है 9693000 और इसकी कॉस्ट है कन्वर्जन की दोनों को ऐड करके ये दो 10,000
116,000. अब इसको इस पे जब डिवाइड करेंगे तो दैट बिकम्स द यूनिट कॉस्ट. नाइन पॉइंट टू सेवन. और नेक्स्ट ये तो दो आ गई, लेकिन ये जेब में रखिएगा, ये कॉस्ट मैंने निकाल ली है इसकी, इसकी और इसकी, प्रोसेस ए के लिए निकाल दी. क्योंकि यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये 600 यूनिट बढ़ के 1032 बन रहे हैं. लेकिन मतलब प्रोसेस ए की जो ओपनिंग कॉस्ट है जब आपने रिसीव की थी उस वक्त यूनिट कॉस्ट कुछ और थी, जब मैं ट्रांसफर करूंगा उस वक्त यूनिट कॉस्ट कुछ और है. क्यों? नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा हो चुके हैं, उसकी अलहदा से आप यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे. ये फर्स्ट टाइम आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है. इसको आप लिखेंगे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस ए. अच्छा, यहां पे जब आपने रिसीव किए थे यूनिट प्रोसेस ए से, कितने यूनिट थे? 610,000, ठीक है. और उस वक्त कॉस्ट थी ये 29,975,000 आपकी कॉस्ट थी, ठीक है. तो यूनिट कॉस्ट क्या बनी थी? आई थिंक 30 थी, 50 थी, नहीं ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के था ना. इसको छोड़ दो, इसको कोई बात नहीं. अब इसमें नॉर्मल लॉस आ गया. नॉर्मल लॉस जो है वो यकीनन इसी में से हो रहा है, ठीक है. क्योंकि ये इसमें से लॉस नहीं है. इसमें लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि ये 60% के बाद ऐड हो रहा है. इसका मतलब जितने लॉसेस हुए ना वो इसमें से हुए 610,000 में. इसलिए पहले इसको एडजस्ट करें. तो ये 61,000 लेस करें तो कितना आ जाएगा? 540 जी. ओहो, क्या कर रही है? 549 कहां से ले आए? अच्छा, माइनस करो, सॉरी 549,000 यूनिट्स. लेकिन इसका तो कोई कॉस्ट असाइन नहीं ना करनी, इसका तो कोई नहीं आएगा. तो ये कॉस्ट इतनी रहेगी 299,975. अच्छा, ये की नहीं बात है, अब नॉर्मल लॉस भी इसी में से हुआ. अब एबनॉर्मल लॉस की जब मैंने कॉस्टिंग करनी है तो एबनॉर्मल लॉस में 60% कन्वर्जन कॉस्ट भी लगी है. एक वो कॉस्ट है लॉस हुआ है जो पिछली कॉस्ट हुई है, तो इसकी कॉस्ट पर यूनिट यहां से निकाल रहे हैं. इसको इस पे डिवाइड करें तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. फाइव डबल फाइव डबल टू ये मैं यहां ले आ रहा हूं. तो एबनॉर्मल लॉस अगर मैं कितना हुआ है 6100, एबनॉर्मल लॉस को कितनी कॉस्ट असाइन करेंगे? 6100 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. ट्रिपल थ्री जीरो डबल फाइव. अब इसको लेस कर दें तो ये रिमेनिंग यूनिट मेरे पास कितने रह गए? 542,925. अच्छा जी, अब आइए कि नेक्स्ट में अब इसमें मजीद आपके यूनिट ऐड हुए 60% के बाद, वो 500,000 यूनिट भी ऐड हो गए, इनपुट हुई और उसने मटेरियल ऐड कर दिया 500,000 और कॉस्ट ऐड की जी
641. कौन सा? ये 641. ओके, अब ये 500,000 की जो कॉस्ट है वो लगी आपकी 9693,000. अब इसको प्लस कर लें, ये टोटल यूनिट हो गए 1042900 और टोटल कॉस्ट आ गई 39 मिलियन. डबल 34945, इसको इस पर डिवाइड कर दीजिएगा. ठीक है जी, इसको कॉस्ट को क्यों ऐड कर रहा हूं मैं, इसको ना ऐड करें, सॉरी, इसको क्यों ऐड कर रहे हैं, ये तो ऑलरेडी हम ले चुके हैं ना वहां पे, यही कॉस्ट होगी. इसको इस पे डिवाइड करें, यानी इसको इस पे डिवाइड करें, तो यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 22261. असल में आप, मैंने किया क्या है, ये सारी कहानी जरा देखिएगा. बेसिकली हुआ ये है कि जिस वक्त आपका ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ ना, ये प्रोसेस ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपने 610 यूनिट पिछले प्रोसेस से रिसीव की है. अच्छा, जब 610 यूनिट रिसीव की है तो अब आपका प्रोसेस ये है कि ये यूनिट जो है इसकी कॉस्ट भी तो रिसीव की है ना. अब यहाँ से आपने 60% प्रोसेस करना है पहले. 60% प्रोसेस के दौरान नॉर्मल लॉस भी होगा, एबनॉर्मल लॉस भी होगा. दोनों होने के बाद जो रिमेनिंग यूनिट बनेंगे उसमें 500,000 यूनिट और प्लस हो जाएंगे, ठीक है. अच्छा, अब ये जो 500,000 यूनिट प्लस हो रहे हैं उसकी कॉस्टिंग तो मैं यहाँ कर चुका हूँ, जो कॉस्ट लगेगी या नहीं लगेगी. लेकिन ये जो 610,000 यूनिट्स हैं, इसकी भी तो कॉस्ट को ऐड करना होता है ना, प्रोसेस वन की कॉस्ट को जो प्रीवियस है. तो इसलिए इसकी कॉस्ट जब यहाँ पर आएगी ना, तो ये नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज करने की वजह से कॉस्ट उतनी रहेगी, नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज हो जाएंगे, ये यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो जाएगी, जो आपको ये नजर आ रहा है 28.242661, ठीक है. अब आइएगा कॉस्टिंग की तरफ. देखो, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, देखिएगा नॉर्मल लॉस की या नहीं. नहीं, नॉर्मल लॉस की तो यहाँ स्क्रैप वैल्यू भी नहीं, छोड़ दो. एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, एबनॉर्मल लॉस 6100 यूनिट जो हैं, ये पिछले डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, इसमें पिछले डिपार्टमेंट की सारी कॉस्ट लोगे जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस वन 333055, ठीक है. तो जो एबनॉर्मल लॉस जो मैं निकालूंगा, एबनॉर्मल लॉस में प्रोसेस ए की कॉस्ट जो है वो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, और प्रोसेस ए की कॉस्ट आ रही है 333, और इसको मैं राउंडिंग कर देता हूँ रुपीज इन थाउजेंड. अच्छा, लेकिन फिर आपने मजीद कॉस्ट भी लगाई है, यकीनन मटेरियल तो ऐड नहीं हुआ, लेकिन कन्वर्जन तो ऐड हुई है ना, और कितने परसेंट कन्वर्जन कॉस्ट ऐड हुई है? 60%, क्योंकि 60% के बाद लॉस हो रहा है ना. तो अब कन्वर्जन कॉस्ट आपने यहां से उठानी है, यानी ये यूनिट कितने थे हमारे, 6100 इंटू 9.61085 इंटू कितने परसेंट, 60%, और इसको थाउजेंड्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा. पॉइंट नहीं आएगा यार, देख लो, सिर्फ 35 आएगा. चल ठीक, 35. अब इसको ऐड कर लिया तो 348, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस हो गया जी. 68, ये 368 मेरा एबनॉर्मल लॉस.
ठीक हो गया जी। अब आइएगा आगे जो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर, अब जो फिनिश गुड्स को ट्रांसफर कर रहे हो ये नहीं पता है कितने यूनिट है 1032900, इसमें से ओपनिंग कहाँ से आएंगे, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से, ये फाइफ है ना ट्रांसफर्ड आउट, तो फ्रॉम ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस से हम 40,000 यूनिट ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्ट ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट तो एज इट इज लोगे 2080 इन थाउजेंड्स वो गिवन है, फिर इस पे मजीद कितनी कन्वर्जन कॉस्ट लगाई थी आपने 40,000 इंटू 9.61085 इंटू 40%, वन फिफ्टी थ्री, ठीक है, ये कन्वर्जन कॉस्ट भी लग गई। अच्छा अब आइएगा ये इसको टोटल कर लें, ये बन गया 2,200 फिर फ्रॉम करंट प्रोडक्शन, अब करंट प्रोडक्शन से मैंने कितने यूनिट ट्रांसफर किए हैं, करंट प्रोडक्शन से किए 992900, अब इस पे कितनी कॉस्ट लगी है, ये वो यूनिट है जो 100% कंप्लीटेड है, ये कॉस्ट लोगे इसमें प्लस करोगे दिस कॉस्ट, इसमें प्लस करोगे ये कॉस्ट, यानी ये वाली कॉस्ट नहीं लेनी है अब आपने, ये वाली कॉस्ट लेनी है 28.42261 प्लस 9.29427 प्लस 9.61085 और इसको मल्टीप्लाई कर दो थाउजेंड्स में, नाइन नाइन वन, अब इसको प्लस कर लो तो ये बन जाएगा 4,229,424 के अमाउंट यहां ले आए, और इधर भी जरा टोटल कर छोड़ेगा कितनी आ रही अमाउंट ताकि उसके मुताबिक हम राउंडिंग कर सकें, ये इसको टोटल कर लें 2080 प्लस 29975 प्लस 9693 51864 ओके। अब क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकालना है वो तो उसी तरह निकल आएगा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस तो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट से है ना, तो मटेरियल 100% लगेगा 50,000 इनटू मटेरियल की यूनिट कॉस्ट है 9.29427 454 और 60 कन्वर्जन कॉस्ट 50,000 इनटू 9.61085 इंटू 80% 884 848. अब इसमें से ये दो माइनस करें देखें क्या आता है आंसर, 368 और 49224 माइनस करें इसमें से 51864 में से, जी 227 कैसे आ सकता है यार, 8 और 4 12 और ये 4 है 2 आता है एंड में, आप कह रहे हैं 2227 का 2272 कहां से मिस्टेक की, क्लोजिंग कहीं तो मिस्टेक कर दिया हमने, इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा,
ठीक हो गया, सही हो गया, वो मिस्टेक। ये जो आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस निकाला हुआ है, इसमें वो भी तो लो ना, प्रोसेस एक ही कॉस्ट, वो तो 100% मुकम्मल करके आया, वो नहीं लिया हमने। और वो कितने हैं, 50,000 यूनिट प्रोसेस ए मुकम्मल करके आए, इनटू यूनिट कॉस्ट कितनी, 28.42261 इसको ऐड करने आप, 22 69, ठीक है, और ये 2272 राउंडिंग की वजह से। आपकी कैलकुलेशन वैसे काफ़ी वर्स्ट लग रही है मुझे, एक रुपए का फर्क आना चाहिए, एक का 3 रुपए का फर्क आ रहा है। तो बाकी कल इंशाल्लाह ज्वाइंट और पाई प्रोडक्ट्स के हम स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को घर जाकर लाजमी एक दफा करना।